हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो कैसे हो सभी बच्चों? तो बच्चों, माय सेल्फ लोकेश मीना और मैं जेनिक प्लेटफॉर्म पे इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड सिग्नल सिस्टम यहाँ पे डील करता हूँ। तो आज मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ कि जो एनएचपीसी का एग्जाम्स है, कि जो मैं लास्ट ईयर्स की एनालिसिस कर रहा था, तो इसमें इलेक्ट्रिकल मशीन्स के कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया गया है और कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ओके, तो जो टॉपिक मैं बताऊंगा टोटली पूरी इलेक्ट्रिकल मशीन्स में से मैं आपको 20 टॉपिक बताने वाला हूँ, जिसमें से आपको 70-80% क्वेश्चंस आपको एनएचपीसी में से इन्हीं टॉपिक में से आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे तो आपने ओवरऑल इलेक्ट्रिकल मशीन्स आपने पढ़ लिया होगा अगर आप एनएचपीसी की तैयारी कर रहे हो तो, बट जो मेरे पास जो 20 टॉपिक्स हैं, इन 20 टॉपिक्स को और आप बेटर करके जाओगे, बाकी के कंपेयर में इनको और बेटर करोगे, तो आप 70-80% मार्क्स इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इन टॉपिक्स के दम पे आप ला सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन ट्रांसफॉर्मर की। तो देखिए, आपके पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है, तो ट्रांसफॉर्मर में सबसे पहले देखिए कि आपके पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन आपको करके जाना है। ओके, कंस्ट्रक्शन जो बेसिक्स मैंने आपको बताया, जिन्होंने नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पे मेरे वीडियोस देख सकते हो, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो कंस्ट्रक्शन आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो दूसरा टॉपिक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये तो आपको करके ही जाना है कि कौन कौन सा लॉस यहाँ पे होता है, आयरन लॉसेस कहाँ पे होता है। ओके, आपका एडी करंट लॉसेस क्या होता है, हिस्टेरिसिस लॉसेस आपका क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन की है, इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। जी सेवियर के अंदर आप जा सकते हो, आप फॉलो कर सकते हो उस सीरीज को, जी सेवियर सीरीज को। ओके, अगर इसके बाद मैं बात करता हूं यहाँ पे टेस्ट की, ओके, तो बेटा टेस्ट ट्रांसफॉर्मर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप समझ सकते हो कि शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट जो टेस्ट होता है वो कहां कहां पे होता है। ओके, ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है, किस टाइप के आपके क्वेश्चन यहां से बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वोल्टेज रेगुलेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज रेगुलेशन से भी आपके क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं एनएचपीसी में। और एफिशिएंसी, अब देखो सर, ये पांच टॉपिक मैंने पूरा जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें से मैंने पांच टॉपिक आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एनएचपीसी के अंदर देखने को मिले हैं। अब देखो सर, यहां पे सबसे ज्यादा, अगर इन पांचों टॉपिक में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बात करूं तो बेटा वो है लॉसेस। लॉसेस अगर दूसरी में बात करूं यहां पे, लॉसेस के बाद कौन सा है सर, उसके बाद है हमारे पास टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद जो है वो है वोल्टेज रेगुलेशंस, और उसके बाद है आपके पास एफिशिएंसी, और उसके बाद है आपका कंस्ट्रक्शंस। तो ये आपका पांच टॉपिक आपको बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छे तरीके से आपको करके जाना है। ओके, अब मैं बात करता हूं यहां पे डीसी मशीन्स की। तो देखिए कि आपके पास जो डीसी मशीन है, डीसी मशीन का भी आपको कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आप डीसी मशीन पढ़ रहे हो तो कंस्ट्रक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, और इसी जेनिक प्लेटफॉर्म पे जी सेवियर के अंदर मैंने करवा रखा है, बहुत अच्छे से इसका कंस्ट्रक्शन मैंने बताया है। तो बेटा कंस्ट्रक्शन आपको इसका अच्छे से करके जाना है। उसके बाद बेटा आपके पास आता है आर्मेचर रिएक्शंस, जो कि अभी मैंने कल ही पढ़ाया है। ओके, आर्मेचर रिएक्शन देख सकते हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके आर्मेचर रिएक्शन से देखने को मिले हैं एनएचपीसी के अंदर। तीसरी बात है यहाँ पे मॉडलिंग, ये भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है जी सेवियर के अंदर, आप देख सकते हो इसी चैनल पे। मॉडलिंग इक्वेशंस, मतलब जो आपके पास सीरीज होती है, सीरीज मोटर होती है, जनरेटर होता है, संट होता है, कंपाउंड होता है, ओके, तो इनकी मॉडलिंग कैसे होती है, इनकी इक्वेशंस कैसी बनती है, तो ये इक्वेशंस आपसे पूछी गई है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये आर्मेचर रिएक्शन दो बार लिख गया। ओके, तो इसको कट कर देता हूं, चलिए। ओके, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर, जो आपके पास डीसी मोटर है उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको अच्छे से करके जाना है। जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका मोटर का कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, पांच टाइप के आपके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उन पांच टाइप के कैरेक्टरिस्टिक को आपको बहुत ज्यादा अच्छे से करके जाना है। ओके, अगर मैं बात करूं पूरी ओवरऑल डीसी मशीन्स के अंदर, अगर आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो बेटा जनरेटर से पूछा जाएगा, याद रखना, थ्योरेटिकल पूछेगा तो जनरेटर से पूछेगा, और अगर न्यूमेरिकल बेस पे पूछेगा तो वो मोटर से पूछेगा। ओके, ये क्राइटेरिया होता है डीसी मशीन्स का। ओके, तो ये हो गया डीसी मशीन्स की बात, और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडक्शन मशीन। देखिए सर, इंडक्शन मशीन में आपको बोला सभी का कंस्ट्रक्शन तो इंपॉर्टेंट है बेटा, कंस्ट्रक्शन के बिना आप उस मशीन को फील नहीं कर पाओगे, तो कंस्ट्रक्शन तो सभी मशीन का आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरा जो आपको टॉपिक पढ़ना है उसके बाद मैं बात करूंगा टॉर्क इक्वेशंस की। बेटा टॉर्क इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉर्क इक्वेशंस आपको पता होना चाहिए, और टॉर्क इक्वेशंस से जैसे मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क का रेशियो पूछ लेता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, तो ये टॉर्क इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मैं बात करूंगा टॉर्क इक्वेशंस के बाद आपका पावर फ्लो इक्वेशंस। ओके, जो पावर फ्लो इक्वेशन से आपके पास की लोड पे जो पावर है, ओके, जो आपके पास आर्मेचर पे पावर है, ओके, इनपुट पावर है, एयर गैप में जो पावर है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, आपको पता है ना कि आपके पास बताया होगा 1
रेशियो एस वन रेशियो आपके पास वन माइनस एस जो स्लिप का रेशियो होता है, वो रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके उसके बाद यहाँ पे इसके लोसेस. ओके और इसके बाद आपकी सिंगल फेज ट्रांसफॉर्म सिंगल फेज इंडक्शन मशीन. जो आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मशीन होती है जैसे कि आपकी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर. ओके और ये जो आपके पास जैसे कि सेडेड पोल हो गया, ये सारी जो भी सिंगल फेज आपकी इंडक्शन मोटर है वो आपको देख के जाना है. ओके ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. चलिए लास्ट है हमारे पास सिंक्रोनस मशीन. अब देखिए जो सिंक्रोनस मशीन है इसका भी बेटा इसका जो कंस्ट्रक्शन है बच्चा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन आप देखते हो और आपके पास सिंक्रोनस मशीन का कंस्ट्रक्शन देखते हो, तो जो डीसी मशीन होती है उसके अंदर फील्ड वाइंडिंग आप स्टेटर पे करते हो और आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे करते हो. बट सिंक्रोनस मशीन के अंदर जो प्रीफेबल कंडीशंस होती हैं वहां पे आर्मेचर वाइंडिंग आप स्टेटर पे करते हो और फील्ड वाइंडिंग आप रोटर में करते हो. इन सिंक्रोनस मशीन स्टेटर आपका सिंक्रोनस मशीन का और इंडक्शन मशीन का सेम होता है, तो ये कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके रिलेट करके आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ना है क्योंकि स्टेटर पार्ट चेंज नहीं होगा सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन का, ओनली रोटर का पार्ट चेंज होता है. और सिंक्रोनस मशीन आपकी आपको पता है कि जनरेटिंग साइड में यूज की जाती है जबकि इंडक्शन मशीन आपकी लोड साइड में यूज की जाती है. ओके तो ये हो गया बेटा कंस्ट्रक्शन. दूसरा इसका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आर्मेचर रिएक्शंस. तो आर्मेचर रिएक्शंस आपको बहुत ज्यादा अच्छे से करके जाना है. अब देखिए सर आर्मेचर रिएक्शंस यहां पे हो गया, यहां पे सॉरी ये तीसरा भी आपके पास आर्मेचर रिएक्शंस ही लिख गया. ओके तीसरा जो आपके पास है यहां पे पैरेलल ऑपरेशन, पैरेलल जो ऑपरेशन है इसका बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंक्रोनस मशीन का, तो पैरेलल ऑपरेशंस भी आपको अच्छे से करके जाना है. और लास्ट जो आपके पास टॉपिक है यहां पे आपके पास है पावर इक्वेशंस ऑफ सेल एंड पोल मशीन. ये वाला पावर इक्वेशंस और पैरेलल ऑपरेशंस आपको छोड़ के नहीं जाना है मेरे भाई. इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने करवाया हुआ है, आप देख सकते हो सिंक्रोनस मशीन के आर्मेचर रिएक्शंस में मैंने करवाया, बहुत अच्छे से करवाया है, कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छे से कराया है, पैरेलल ऑपरेशंस भी करवाया है, पावर इक्वेशंस भी कराया है, सारे चीजें आपको इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी. ओके तो ये जितने भी टॉपिक मैंने बताए चारों मशीन के, ये टॉपिक तो आपको करके ही जाने हैं, मतलब 70-80% क्वेश्चंस आपको इन्हीं टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे. ओके फिर मिलते हैं बाद में जब एनएचपीसी का एग्जाम हो जाएगा, तो उसके बाद बताना कि आपका कैसा पेपर रहा और कौन से टॉपिक से आपके ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिले, उसी दिन अपन चर्चा करेंगे इसी पे. ओके थैंक यू एंड टेक केयर. लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो यहां पे बच्चों देखो नीचे पिन टैप कर रखा होगा जेनिक जेई एई स्टडी, जिसमें 9,000 से 10,000 बच्चे कनेक्टेड है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप वहां पे मेरे को पूछ सकते हो, पर्सनली पूछ सकते हो और आप वहां पे ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हो. ओके थैंक यू एंड टेक केयर.